अस्सलाम वालेकुम वेवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ जावेद भट्टी। मेरे भट्टी वी लॉग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और मैं आज को दिखाने जा रहा हूं घिया तोरी। ये देखिए, आज मैं जहां पे घिया तोरी लगी है, ये छांगा मंगा का नवाई गांव चकोगी, आज मैं आपको घिया तोरी, ये देखिए घिया तोरी लगी हुई है। ये पूरा सेटअप जो है घिया तोरी का है, ये मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ, आप भी देखिएगा। ये देखिए घिया तोरी लगी हुई है, ये पूरा जो सेटअप है ये घिया तोरी का है। इसके बाद ये सुबह यहाँ से लेते हैं और फिर यही घिया तोरी मंडियों में चली जाती है। मैं आपको इस पूरे सेटअप का दिखाऊंगा। ये बहुत बड़े एरिए में है, ये देखिए ये पूरा इन्होंने बनाया हुआ जंगला सा, इसमें सारी ये घिया तोरी है। ये देखिए ये घिया तोरी लगी हुई है। आप मेरे साथ रहिए। ज़िम्मेदार जो काश्तकार है वो इंतहाई मेहनत के साथ ये चीज़ें उगाता है, पानी इसकी जो खेती बाड़ी वो करता है। ये पूरा ये देखिए इन्होंने एक धागा लगाया हुआ है बांस के अंदर, और ये धागा जो है यही इसकी जो बेल है तोरी की वो इसके ऊपर गई है, और इसके साथ घिया तोरी लगी हुई है। ये देखिए ये तोरियां लगी हुई हैं, आप भी देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज मैं इसीलिए यहाँ पे आया था, ये घिया तोरी का पूरा सेटअप है। और यहाँ से ही घिया तोरी ज़िम्मेदार जब यहाँ से सुबह सुबह लेके मंडी जाता है, यहाँ से उतारी जाती हैं और फिर वो मंडी लेके चला जाता है। ये आप भी देखिए, ये घिया तोरी की बेल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तोरियाँ लगी हुई हैं। ये देखिएगा क्लोजली, बहुत मेहनत के साथ ज़िम्मेदार ये काम करता है। इसको पानी लगाना, इसको चौकी डालना, बहुत ही मेहनत वाला काम होता है। ये देखिए कितनी मेहनत के साथ उन्होंने ये बेलें लगाई हुई हैं, और इंतहाई जो ये पूरा सेटअप उन्होंने, ये देखिएगा बांस भी, ये बांस है, बांसों के साथ उन्होंने धागा लगाया हुआ है, बड़ा पक्का सा धागा है। ये देखिएगा अभी ये तोरी लगी हुई है, और यही तोरी सुबह ये लोग ज़िम्मेदार जो हैं वो मंडियों में लेके जाते हैं और उधर जाके ये सेल कर देते हैं। ये देखिएगा बहुत बड़ा सेटअप है ये। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको पूरा ही ये दिखा सकूँ। सबसे पहले इसका बीज लगाया जाता है, उसके बाद ये आसा आसा ये जब बेल बड़ी होती है तो ये बांस लगाए जाते हैं। बांस लगाने के बाद ये धागों के ऊपर बेल जो है ना अपनी कद ओवर होती है, उसके बाद जो है ना ये घिया तोरी इसके ऊपर लगी हुई है। आप भी देखिए ये लगी हुई है, ये देखिएगा काश्तकार अब बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ ये सारी चीज़ें उगाता है, उसके बाद वो अपनी मेहनत से ही इसको उगाता है और फिर ये मंडियों की ज़ीनत बनती है। जितनी भी सब्ज़ियाँ मुख्तलिफ़ कुछ बेल होती है और कुछ पौधों में चली जाती हैं। ये देखिए ये पूरा सेटअप मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा सेटअप है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको जहाँ तक दिखा सकूँ ये दिखाऊँगा। छांगा मांगा में अभी मौजूद हूँ, गांव है चक्को की, और ये देखिए मैं आज आपको घिया तोरी दिखा रहा हूँ। घिया तोरी लगी हुई है, आप भी देखिए ये पूरा जितना भी सेटअप है ये घिया तोरी का है। बहुत बड़े एरिए में है ये, क्योंकि इनकी लाइनें बनी होती हैं, लाइनों के हिसाब से ही हमने चलना होता है। ये पूरा एरिया मैं आपको कोशिश करता हूँ मैं दिखा सकूँ, लेकिन पूरा दिखा नहीं सकूँगा। उसकी वजह ये होती है कि ये बहुत बड़ा एरिया है। ये देखिए ये पूरे का पूरा जो है ना, ये देखें ये बहुत बड़ा एरिया है। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ
कि जहाँ तक मैं आपको दिखा सकूँ। ये देखिए, ये तोरी लगी हुई है, आपको मैं दिखा रहा हूँ तो आप भी देखिए। घिया तोरी की बेलें हैं ये, ये देखिए। ये चीज़ें खाते वक्त शायद ये एहसास नहीं होता, लेकिन ज़िम्मेदार का इसमें काश्तकार जो है उसका पसीना, खून पसीना होता है इसके अंदर। वो बड़ी मेहनत के साथ ये चीज़ें उगाता है, उसके बाद उसको अगर ये फसल सही हो तो उसका उसको रोज़ी मिलती है, क्योंकि ज़िम्मेदार का यही ज़रिया आमदन होता है। और वो कोशिश भी करता है कि स्प्रे लगाना, खाद लगाना, ये सारी चीज़ें बड़ी मेहनत के साथ करता है वो। ये देखिए, ये पूरा सेटअप, बहुत बड़ा सेटअप बना हुआ है और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ पे तोरी लगी हुई है वो भी दिखा रहा हूँ, आप भी देखिएगा। ये घिया तोरी है, ये इसकी बेल होती है और बेल के ऊपर फिर घिया तोरी लगती है। ये देखिए, ये देखे, ये बहुत बड़ा इन्होंने बनाया हुआ है एरिए में, ये लगी हुई है। और फिर ये सारी जब सुबह लेते हैं तो उसके बाद ये मंडी में लेके जाते हैं। उम्मीद है नाज़रीन ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने कमेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। जावेद भट्टी, अल्लाह हाफिज़।